दोस्तों बहुत सारे डॉग ब्रीड ऐसे हैं जो कि फॉरेन में बैंड है, मतलब कि विदेशों में इन डॉग ब्रीड को बैन कर दिया गया है, मतलब कि इन डॉग ब्रीड में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन डॉग ब्रीड को पालना या फिर इन डॉग ब्रीड को क्रॉस कराना में प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब मैं आपको कुछ ऐसे डॉग ब्रीड का नाम बताता हूँ जिनको विदेशों में प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिनको विदेशों में बैन कर दिया गया है, मतलब कि इनका डॉग ब्रीडिंग करना, इनका इनको पालना, इनके इनकी ब्रीडिंग करना, इन सारे चीज में बैन लगा दिया गया है। और स्पेशली कुछ कुछ ऐसे जगह हैं फॉरेन में, कुछ कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कुछ डॉग ब्रीड के ब्रीडिंग को ही ब्रांड बैन कर दिया गया है। अगर आप इनके बच्चे लेंगे तो आप बच्चे भी नहीं ले सकते। तो फॉरेन के कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कुछ डॉग ब्रीड का ब्रीडिंग भी बंद कर दिया गया है, मतलब कि अगर आप वहाँ पे ब्रीडिंग करेंगे, अगर आप वहाँ पे सोच रहे हैं ब्रीडिंग स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ पे भाई अगर आप ब्रीडिंग करेंगे तो आपके ऊपर लीगल केस भी हो सकता है। वहाँ पे अगर आप बच्चे भी सेल कर रहे हैं तो उन डॉग ब्रीड का बच्चे भी नहीं सेल कर सकते। तो इस तरीके का केस कुछ जगह पे हो देखा जा रहा है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे डॉग ब्रीड का नाम बताता हूँ जो कि विदेशों के कुछ जगहों में बैंड है, मतलब कि इन जगह में प्रतिबंध लगा दिया गया है इन डॉग ब्रीड का। तो पहले नंबर पे आता है रॉटवीलर। दोस्तों रॉटवीलर भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं फॉरेन के, कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे रॉटवीलर को बैन कर दिया गया है, रॉटवीलर में प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरे नंबर में आता है टोसा इनू। दोस्तों टोसा इनू भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं, विदेश के बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां के टोसा इनू भी बैन कर दिया गया है। तीसरे नंबर में आता है नेपोलियन मैस्टिफ। दोस्तों नेपोलियन मैस्टिफ भी ऐसी डॉग ब्रीड है जो कि एग्रेसिव कैटेगरी में आती है, और नेपोलियन मैस्टिफ भी बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पे बैन कर दिया गया है। फॉरेन के ऐसी बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पे बैन कर दिया गया है। अब अगर मैं आपको जगह बताने लगूंगा तो भाई ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा बोरिंग भी हो जाएगा ये वीडियो, तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। उसके बाद हम धीरे धीरे करके अपने मेन कंटेंट में आएंगे। अब चौथे नंबर में आता है अमेरिकन पिटबुल टेरियर। दोस्तों ये डॉग ब्रीड इतना खतरनाक है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये डॉग ब्रीड भी दोस्तों विदेश के कुछ ऐसे जगह है जहां पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, इन डॉग ब्रीड को बैन कर दिया गया है। अब पांचवें नंबर पे आता है अमेरिकन बुलडॉग। दोस्तों ये डॉग ब्रीड भी फॉरेन के कुछ ऐसे देश है जहां पे इन डॉग ब्रीड पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब छठे और सबसे आखिरी नंबर पे आता है पिटबुल। दोस्तों इस डॉग ब्रीड का तो कहना ही क्या है भाई, ये डॉग ब्रीड इतना खतरनाक है ना, ये तो लग रहा है भाई कि इंडिया में भी बैन होने वाला है। दोस्तों पिटबुल डॉग इतना खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। फॉरेन की बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे पिटबुल को यार बैन कर दिया गया है। 28 से ज्यादा ऐसे देश है जहां पे पिटबुल को बैन कर दिया गया है। और सिर्फ बैन ही नहीं भाई, रुक जाइए, फॉरेन के कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे पिटबुल की ब्रीडिंग को भी बैन कर दिया गया है। अगर आप वहां पे ब्रीडिंग करते हैं, अगर आप इनसे पपीज लेते हैं, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो पिटबुल भी दोस्तों ऐसा डॉग ब्रीड है जो कि बहुत एग्रेसिव डॉग ब्रीड में से आता है, और हो सकता है कि इंडिया में भी पिटबुल बैन हो जाए, मतलब कि इंडिया में भी पिटबुल को पालने में प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन फिलहाल इंडिया में पिटबुल बैन नहीं है, इंडिया में पिटबुल को पालने में प्रतिबंध नहीं लगा दिया गया है। जब कभी इन फ्यूचर प्रतिबंध लगेगा तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे डॉग ब्रीड जो कि फॉरेन के कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे इन डॉग ब्रीड पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, मतलब कि इन डॉग ब्रीड पे पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है। इन डॉग ब्रीड को पालना, इन डॉग ब्रीड पे ब्रीडिंग करने में पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब मैं जानता हूं कि आप लोग एक चीज जरूर सोच रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे सर आपने सारे ब्रीड का नाम बता दिया, आपने पिटबुल का नाम बताया, आपने रॉटवीलर का नाम बताया, आपने अमेरिकन पिटबुल टेरियर का नाम बताया, आपने अमेरिकन बुलडॉग का नाम बताया, आपने टोसा इनू का नाम बताया, लेकिन आपने एक ब्रीड का नाम नहीं बताया, वो है जर्मन शेफर्ड। आपने जर्मन शेफर्ड का नाम क्यों नहीं बताया? अगर आपने जर्मन शेफर्ड का नाम नहीं बताया है, इसका मतलब कि हम ये समझे कि जर्मन शेफर्ड फॉरेन बैंड नहीं है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि जर्मन शेफर्ड फॉरेन बैंड नहीं है, तो ये आपकी बहुत ही गलत सोच है। क्योंकि दोस्तों जैसे पिटबुल फॉरेन बैंड है, जैसे कि रॉटवीलर फॉरेन बैंड है, जैसे कि अमेरिकन पिटबुल टेरियर फॉरेन बैंड है, वैसे ही जर्मन शेफर्ड भी फॉरेन में बैंड है। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे देशों के नाम बताता हूँ जहाँ पे जर्मन शेफर्ड में पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है, जर्मन शेफर्ड में पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए मैं आपको कुछ देशों के ऐसे नाम बता देता हूँ। तो मेरे पास ये लिस्ट है और इस लिस्ट में पूरा डिटेल में लिखा गया है कि जर्मन शेफर्ड किन किन जगहों में बैन है। तो मैं आपको इन देशों के नाम सबसे पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों पहले नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट, दूसरे नंबर पे आता है आयरलैंड, तीसरे नंबर में आता है यूक्रेन, चौथे नंबर में आता है रोमेनिया, पांचवें नंबर में आता है मलेशिया, छठे नंबर में आता है सिंगापुर, सातवें नंबर में आता है आइसलैंड। दोस्तों ये कुछ ऐसे देशों के नाम हैं जहां पे जर्मन शेफर्ड में पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, मतलब कि जर्मन शेफर्ड को पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है इन देशों में। तो ये आपकी बहुत ही गलत सोच है कि जर्मन शेफर्ड किसी देशों में बैन नहीं है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पिटबुल बैंड है, जैसे रॉटवीलर बैंड है, जैसे अमेरिकन पिटबुल टेरियर बैंड है, वैसे ही जर्मन शेफर्ड भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे बैंड है। और मैं उन देशों का नाम भी आपको बता दिया हूं।
तो ये तो हो गई फॉरन की बातें। अब हम अपने मेन कंटेंट में आते हैं, जो हमारा मेन कंटेंट है, जो हमें अपने टाइटल में, अपने थंबनेल में लिखा हूँ। टाइटल थंबनेल में मैं क्या लिखा हूँ, जर्मन शेफर्ड इंडिया में बैंड। तो ये हमारा मेन कंटेंट है। तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारे आप लोगों की क्वायरीज आ रही थी, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि जर्मन शेफर्ड भैया इंडिया में बैंड होने वाला है क्या। जर्मन शेफर्ड कुछ दिनों से हवा बहुत ज्यादा फैल रही थी कि जर्मन शेफर्ड बैंड होने वाला है, जर्मन शेफर्ड को पालने में प्रतिबंध लगने वाला है, जर्मन शेफर्ड इंडिया में बैंड होने वाला है। और कुछ दिनों पहले दोस्तों एक केस और आया था पिटबुल का, जो कि लखनऊ का केस था ये। और इस केस में दोस्तों था ये कि पिटबुल ने एक बूढ़ी औरत पर अटैक कर दिया था। तो उस केस पे दोस्तों बहुत सारे लीगल एक्शन भी हुए थे, और लीगल एक्शन के बाद ये डिसीजन लिया गया था कि पिटबुल वहाँ लखनऊ में बैंड होने वाला है, लेकिन कुछ लोगों ने स्ट्राइक कर दिया जिसकी वजह से पिटबुल के ऊपर से बैंड हट गया, मतलब कि पिटबुल पे वहाँ पे प्रतिबंध नहीं लगेगा। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों इंडिया में हवा फैल रही थी, कोई बोल रहा था रॉटवीलर इंडिया में बैंड हो जाएगा, कोई बोल रहा था जर्मन शेफर्ड इंडिया में बैंड हो जाएगा, तो कोई बोल रहा था पिटबुल इंडिया में बैंड हो जाएगा। तो ये बात क्या सच है क्या झूठ है, ये सारा कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूँ, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यार अगर बात रही जर्मन शेफर्ड की, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कोई भी डॉग ब्रीड बैन नहीं है, चाहे वो पिटबुल हो गया, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो गया, चाहे वो रॉटवीलर हो गया, चाहे वो तोशानी हो गया, चाहे वो कैनकॉर्स हो गया, इंडिया में कोई भी डॉग ब्रीड बैन नहीं ही है। आप इतना बात ध्यान में रख लीजिए कि इंडिया में कोई भी डॉग ब्रीड बैन नहीं है। और दोस्तों अगर आपको कोई बता रहा है कि जर्मन शेफर्ड इंडिया में बैंड होने वाला है, पिटबुल बैंड होने वाला है, तो ये बहुत ही गलत अफवाह है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जर्मन शेफर्ड इंडिया में बैंड नहीं है, और जर्मन शेफर्ड ना बैंड हुआ है ना इन फ्यूचर होगा। और अगर बात करें हम पिटबुल की, तो हो सकता है इन फ्यूचर पिटबुल, शायद मैं एकदम क्लियर नहीं हूँ, लेकिन शायद हो सकता है इन फ्यूचर पिटबुल इंडिया में बैंड हो जाए, लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ। और अगर बात करें जर्मन शेफर्ड की, तो यार मेरे को नहीं लगता कि जर्मन शेफर्ड बैंड होगा, और इन फ्यूचर जर्मन शेफर्ड बैंड होने वाला भी है ना, जर्मन शेफर्ड इंडिया में बैंड हुआ है ना कभी इन फ्यूचर होगा। तो दोस्तों ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है कि जर्मन शेफर्ड इंडिया में बैंड हुआ है, ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है। और जब कभी भी इंडिया में कोई भी डॉग ब्रीड बैंड होगा, तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों के मेरे पास बहुत दिनों से क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत दिनों से मेरे पास आपके लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि भैया क्या जर्मन शेफर्ड इंडिया में बैंड होने वाला है, और बीच में एक हवा भी फैली थी कि जर्मन शेफर्ड इंडिया में बैंड होने वाला है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे घबराने वाले कोई भी बात नहीं है कि कोई भी डॉग ब्रीड इंडिया में बैंड हुआ है, ना रॉटवीलर बैंड हुआ है, ना जर्मन शेफर्ड बैंड हुआ है, ना पिटबुल बैंड हुआ है। ये बहुत ही गलत अफवाह है, और इस अफवाह में आप फंसिएगा मत, क्योंकि कोई भी डॉग ब्रीड इंडिया में बैंड नहीं हुआ है। बाकी दोस्तों ये आपका क्वेश्चन था, और मैं आपके सारे क्वेश्चन का आपको आंसर एकदम डिटेल में दिया हूं, एकदम ब्रीफ में दिया हूं। और आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता है, तो हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक लेटे कर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।